काफ़ी लोगों के फंडे क्लियर, जिनके नहीं क्लियर 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। यार कुछ नहीं है, मैं रूल भी बताता हूँ आपको, वो रूल्स क्या हैं वो देखते जाइए। पहली बात तो पैरा कंप्लीशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। पैरा कंप्लीशन दो तरह के होते हैं, पहली तरह के जो पैरा कंप्लीशन है उसके अंदर क्या करना है वो समझ जाइए। पहली तरह के पैरा कंप्लीशन पुराने कैट के अंदर आते थे 2005-2008 के अंदर, अभी वो नहीं आते। उसके अंदर आपको बैठ के यहाँ पे लाइंस दी जाती हैं, लाइंस के अंदर संडे, ये डिफरेंट है, सुन लो जरा ध्यान से। ये होता है मोर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको चार ऑप्शन दी जाती हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। पहला रूल, ये चारों ऑप्शन अलग अलग हो सकती हैं और आपको ये ऐसे ही दिया जाता है, ए में कौन सा आएगा, बी में कौन सा आएगा, सी में कौन सा आएगा और डी में कौन सा आएगा। दिस इज नॉट द इंटायर सेंटेंस, इज जस्ट अ वन स्मॉल ब्लैंक, अंडरस्टूड। दिस यूज टू बी प्रिवेलेंट इन कैट इन 2005-2004। दिस इज डायरेक्टली वोकैबरी बेस्ड बट कंटेक्स्ट बेस्ड वोकैबरी, अंडरस्टूड दैट। दिस इज टाइप नंबर वन। ये समझ आ गया सबको, यस और नो? यस यस यस, बहुत बढ़िया। इसको छोड़ दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बाय द वे। दूसरी टाइप है, सेम टाइप वोकैबरी बेस्ड पैरा कंप्लीशन। हाँ, ये जैट में आता है, स्नैप में, सब में आता है। आपको बस यहाँ पे ऑप्शन दी जाएंगी ए बी सी डी, चार ऑप्शन, और यहाँ पे भी सेंटेंस रहेंगे 1, 2, 3, 4। आपको इनमें से एक कोई उठाना है, ध्यान से देखिए, कोई एक वर्ड उठाना है, इट कुड बी वर्बिएज, और बोलना है कि ये वर्बिएज जो वर्ड है वो हर जगह पे फिट हो जाए। हाँ, ये वर्बिएज वर्ड 1 पे भी फिट हो जाए, ये वर्बिएज वर्ड 2 पे फिट हो जाए, ये 3 पे फिट हो। ये भी पुरानी टाइप है कैट की, 2005 से बीच में 13-14 में भी आई हुई है। ये सी मैट सी ई टी के अंदर भी भर भर के आते थे। जो मैंने पहली टाइप बताई है उसको कभी कभी क्लोज पैसेज बोल देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल देते हैं। ये दो टाइप, सबको समझ आ गया? क्विक 5 सेकंड चेक, अंडरस्टूड। टाइप नंबर 3, पेपर सेटर की लेटेस्ट टाइप, जो कि अभी लेटेस्ट टाइप आया है, वो टाइप क्या है? एक सेकंड रुकिए, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, लेट मी जस्ट मूव दिस वे। हाँ, पेपर सेटर की फेवरेट टाइप, व्हाट इज पेपर से, ओहो, व्हाट इज पेपर सेटर्स फेवरेट टाइप? दिस टाइप इज रियली फैंटाबुलस। इन दिस टाइप व्हाट पेपर सेटर डज इज ही विल गिव यू द एंटायर पैराग्राफ, एंड व्हाट ही विल टेल यू इज कि मैं तेरे को एक लाइन दे रहा हूँ यहाँ पे, और इस लाइन को फिट कर दे कहीं भी। तेरे को ए में लगे तो ए में फिट कर दे, बी में लगे बी में फिट कर दे, सी में कर दे सी में, डी में कर दे डी में। इसके अंदर सिर्फ एक ही रूल है। अब मैं लेटेस्ट टाइप की बात कर रहा हूँ, पहली दो टाइप भूल जाइए, वो अपन बाद में करेंगे। उसके अंदर एक ही रूल है। पहला रूल ये है कि बेटा कभी भी आपको बैठ के नेवर मिस द कंटिन्यूटी। याद आ रहा है, एग्जाम्पल दिया था मैंने, नेवर मिस द कंटिन्यूटी, कभी भी कंटिन्यूटी मिस नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, डोंट फोर्स फिट द सेंटेंस, डोंट फोर्स फिट द सेंटेंस। इफ यू फोर्स फिट, पेपर सेटर इज ट्रिकिंग यू अप एंड दिस विल, यू विल डाई। वो आपके -3 और -1 नेगेटिव ले जाएगा, -4 ले जाएगा। डोंट फोर्स फिट, ओके। चेक द कंटिन्यूटी आफ्टर फिटिंग द सेंटेंस। अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, वो प्रैक्टिस करके निकलेगी, पर फिट करने के बाद देखो क्या जो मेरा वन सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है और जो तुमने ब्लैंक फिल किया है और जो उसके बाद सेंटेंस नंबर 1 फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूड हो रहा है, क्या वो कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रही दोनों के अंदर, इट मींस दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन। अंडरस्टूड एवरीवन? आर यू गाइस विद मी? यस और नो? यस और नो? मेरा एक एग्जांपल था चश्मे वाला, मैंने ईयरपॉड लगाए हुए थे, कैमरा बंद करके ईयरपॉड निकाले और फिर दिखाओ ईयरपॉड पहने हुए, मैंने, याद आ रहा है, जो लोग मेरे क्लास के अंदर थे, राइट? सिंपल। अब करते हैं हम एक्चुअल पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन, बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, अटैक करिए इसको। डैशबोर्ड पे पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, अटैक करिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कम ऑन, गिव इट टू मी बॉयज एंड गर्ल्स, फुल कंसंट्रेशन, आराम से पढ़िए और मुझे बताएंगे 2 क्यों नहीं है और 3 क्यों नहीं है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, अटैक दिस पैरा कंप्लीशन, गो 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 गो।
लास्ट 10 सेकेंड्स, चलिए पोल इज ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। ओके क्लोज करो मैं पोल, फटाफट आंसर करिए। ओके ऑल राइट, ओके लेट्स गो। सो भाई रिजल्ट्स आ चुके हैं, चॉइस नंबर 1 दिए 12% लोगों ने, चॉइस नंबर 2 दिए 41% लोगों ने, और चॉइस नंबर 3 देने वाले हैं 33% लोग, और चॉइस नंबर 4 देने वाले हैं 14% लोग। ग्रेट यार, चलो भाई अटैक करते हैं। गुड, तो चॉइस नंबर 3 और 2 के अंदर टफ कॉम्पिटिशन है। यार इसके अंदर मैंने एक और भी रूल बताया हुआ था जो मैंने आज रिपीट नहीं किया। यार फर्स्ट ऑप्शन पे ना थोड़ा सा दिल आ जाता है, पर दिल आने मत दिया करो। पेपर सेटर फर्स्ट ऑप्शन पे, याद आ रहा है मैंने बताया था, फर्स्ट ऑप्शन पे दिल आता है, सीधा वर्ड देखा यहीं पे मार्क कर दिया, तो ऐसा मोस्टली नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्ड रूल तो नहीं है, बट पहले पे मत दिला, यूजली नहीं होता है ऐसा, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन पेपर बनाने का फायदा ही क्यों हुआ, राइट? अगर मैं तुम पेपर बना रहे ऐसा तो नहीं करोगे ना यार। चलो लेट्स लुक एट दिस, लेट्स लुक पैराग्राफ सेंटेंस क्या। दिस इज मेंट टू लॉट विद अनसर्टेंटी। एक और रूल है, इमोशंस समझिए, भावनाएं समझिए। अगर पेपर सेटर की भावनाएं और इमोशंस नहीं समझाएगा, वो जो हम आरसी में करते हैं, व्हाट डू यू थिंक द पेपर सेटर, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर का टोन इज, दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेंटी अराउंड व्हाट अ वाइड स्केल रिटर्न्स टू ऑफिस माइट लुक लाइक इन प्रैक्टिस। अच्छा बाय द वे, दिस मतलब पहले कुछ हुआ है, हाँ या ना? दिस मतलब पहले कुछ हुआ है, हाँ या ना? कुछ तो हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई दिस बहुत बढ़िया। आगे मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेंटी, अनसर्टेंटी है, हाँ भाई येस और नो, देयर इज अनसर्टेंटी, बहुत बढ़िया। वॉट अ वाइड स्केल्स रिटर्न टू द ऑफिस मोड, ये भाई ये कौन है दास, स्पैम मत कर बेटा, दोबारा ज्वाइन करो। अगेन ओके, ऑफिस माइट लुक लाइक इन प्रैक्टिस, भाई बहुत ही वाइड स्केल पे लोग ऑफिस के अंदर आना शुरू होंगे, कहता अनसर्टेंटी तो लोग आने शुरू होंगे। भावना क्या है हमारी, अनसर्टेंटी। यू विल नेवर डू रॉन्ग इफ यू फॉलो दिस रूल। ब्रिंगिंग बैक द वर्कर्स टू द डेस्क हैज बीन रॉकी रोड फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, भाई रॉकी रोड है, मैं एम्प्लॉयर हूँ मेरे लिए भी, और तुम अगर एम्प्लॉय हो तो तुम्हारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो और मेरा भी बड़ा मुश्किल तुम्हें ऑफिस लेके आना, दोनों के लिए रॉकी रोड है। और तुम लोग को ऑफिस लेके आएंगे तो चाय का बिल ये कॉफी बिल, मेरे लिए भी रॉकी रोड है, बहुत सारे अलग अलग रीजन है। नंबर 1, आगे द एवोल्यूशन ऑफ द पैंडमिक हैज मेंट दैट बेस्ट लेट प्लान दैट ऑफन बी नॉट बीन मटेरियलाइज, कहता जो मर्जी प्लानिंग कर लो पर पैंडमिक ने ये तो दिखा दिया कि भाई मटेरियलाइज तो नहीं हो पाएंगे। होल्ड ऑन, क्या अभी तक अनसर्टेंटी है? हाँ भाई, छोड़ो ये ऑप्शन में अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बस भावनाएं बताओ, अनसर्टेंटी है हाँ या ना? अनसर्टेंटी है, थोड़ी तो अनसर्टेंटी है यार, क्योंकि देखो ना, बेस्ट लेड प्लान्स हैव नॉट ऑफन बीन मटेरियलाइज्ड, अंडरस्टूड? अनसर्टेंटी है, सही आंसर है कि नहीं वो मेरे को मालूम नहीं है, पर अनसर्टेंटी भावनाएं में तो अंदर है, तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे आ सकती है। रुको आगे देखते हैं, द फ्लो ऑफ वर्कर्स बैक इन टू द ऑफिस हैज बीन मोर ऑफ अ ट्रिकल देन अ स्टेडी स्ट्रीम, कहता जो वर्कर ऑफिस आने शुरू हो गए हैं, पैंडेमिक जा चुका है, वो बहुत ट्रिकल्स है। ट्रिकल क्या होता है बेटो? धीरे 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 धीरे, जैसे पानी धीरे धीरे पत्ते पत्ते के ऊपर पानी ओंस धीरे धीरे ट्रिकल करती है, इट्स नॉट अ स्ट्रीम। बहुत बढ़िया, अनसर्टेंटी कायम है, यस और नो? अनसर्टेंटी कायम है, हाँ भाई हाँ, कुछ लोग आए हैं बाकी लोग तो आए नहीं अभी, अनसर्टेंटी कायम है, फॉरगेट द आंसर, बस फोकस ऑन अनसर्टेंटी। बहुत बढ़िया, येट, ओ हो येट प्लेंटी ऑफ कंपनीज आर स्टिल वर्किंग थ्रू देयर न्यू पॉलिसीज, यार देखो अनसर्टेंटी लोग तो आने शुरू नहीं हुए, पर कंपनीज ने काफ़ी कुछ प्लानिंग वगैरह शुरू कर दी है, पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी है। सम एम्प्लॉयज अक्रॉस द ग्लोब आर नाउ बैक एट द डेस्क, कुछ कुछ एम्प्लॉय आ चुके हैं, वेदर ऑन फुल टाइम और हाइब्रिड बेसिस, या हाइब्रिड में या फुल टाइम में, पर लोग तो आ चुके हैं। सेंटेंस खत्म, दैट मीन्स दैट वी आर बिगिनिंग टू गेट सम क्लैरिटी। अच्छा बाय द वे, अनसर्टेंटी खत्म होती नजर आ रही है, लोग डेस्क पे आने शुरू हो गए हाँ या ना, या फुल टाइम अनसर्टेंटी खत्म होनी शुरू होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अनसर्टेंटी जब खत्म होनी शुरू होगी, वाई वुड आई गो बैक टू द अनसर्टेन वाला सेंटेंस, थ्री में तो नहीं आएगा। दैट मीन्स वी आर बिगिनिंग टू गेट सम क्लैरिटी ऑन वॉट रिटर्न टू ऑफिस मीन्स, क्लैरिटी हो गई है, बादल छट चुके हैं, है ना, सूरज दिखना शुरू हो गया है, लाइफ इज रियली अमेजिंग नाउ, अनसर्टेंटी वाला सेंटेंस में यहाँ पे भावनाएं समझ रहे हैं बस, बिगिनिंग टू गेट सम क्लैरिटी ऑन वॉट रिटर्न एक्सेट्रा, वॉट वर्किंग ऑल वॉट इज टू येट टू बी सेटल एक्सेट्रा, वॉट वर्किंग ऑन एज वेल एज वॉट येट टू बी सेटल, बट क्लैरिटी तो आ गई है। थ्री और फोर के अंदर ये ऑप्शन तो आएगी नहीं, खत्म हो गया भाई, ठीक है भाई, अंडरस्टूड एवरीवन? थ्री और फोर के अंदर, बिकॉज यहाँ पे सर्टेंटी क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ पैंडेमिक बेस्ट लेट प्लान ऑफ नॉट मटेरियलाइज, कहता बेस्ट लेट प्लान हमारे मटेरियलाइज नहीं हुए। कंटिन्यूशन ऑफ द आइडिया, द फ्लो ऑफ द वर्कर्स हैज बीन मोर ऑफ अ ट्रिकल देन स्टेडी स्ट्रीम, ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, आपका बेस्ट लेट प्लान था कि हम सब कुछ बढ़िया कर देंगे, पर वर्कर तो कुछ कमी आए हैं, समझा, वर्कर तो कुछ कमी आए हैं, सारे के सारे आए नहीं हुए। आगे क्या मैं टू में फिट करूं यहां पे, दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेंटी, व्हाट इज अनसर्टेंटी,
पीपल आर नॉट कमिंग टू ऑफिस, दिस इज द एग्जाम्पल, पीपल आर नॉट कमिंग टू ऑफिस. बट सर अनसर्टेनिटी ये भी तो हो सकता है, बेस्ट लेट प्लान. रुक जा, पीपल आर नॉट कमिंग टू ऑफिस, दे आर कमिंग ओनली ट्रिकल फ्यू. आगे वॉट अ वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस माइट लुक इन प्रैक्टिस. जो हमारा प्लान था, बाय द वे कंटिन्यूशन ऑफ द मेन आइडिया लग रहा है ये, हमारा प्लान था कि वाइल्ड लोग आएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कहानी में ट्विस्ट. येट अनसर्टेनिटी है, कहानी में ट्विस्ट, हमारा सिग्नल वर्ड. वाइल द प्लेंटी ऑफ कंपनीज आर स्टिल वर्किंग थ्रू देयर न्यू पॉलिसीज. अरे भाई, लोग आना चाहते थे, बट दिस इज मेंट लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. वाइड स्केल ऑफ रिटर्न टू द ऑफिस माइट लुक इन प्रैक्टिस, पर फिर भी कहानी में ट्विस्ट यहाँ से हुआ है और बंदों ने शुरू कर दिया नई पॉलिसीज. सम एम्प्लॉयज बन चुकी है अक्रॉस द ग्लोब, आर नाउ बैक टू द डेस्क. लाइफ इज रियली अमेजिंग. तो बच्चों, यहाँ से जो कहानी में ट्विस्ट हुआ है, इसके लिए मैं टू को यहाँ पे फिट करूँगा, वन को फिट नहीं करूँगा. फॉर वन सिंपल रीजन, वन लुक लाइक अ राइट आंसर, बट द सेकेंड सेंटेंस वॉज नॉट वर्किंग आउट. अंडरस्टूड दैट, सेकेंड सेंटेंस वॉज नॉट वर्किंग आउट. तो मेरा रूल, कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड सेंटेंस. जबरदस्ती अगर आपको लगाना है, वन में लगा सकते हो, पर मेरा वन के साथ बिना इसके सेंटेंस चल रहा था यार. मेरा जो प्लान था मेटेरियलाइज नॉन मेटेरियलाइज का, वो ही तो एक्सप्लेन किया है. फ्लो ऑफ द वर्कर्स हैव बीन गोइंग डाउन. अंडरस्टूड एवरी वन? अंडरस्टूड येस और नो? सबको समझ आया? अंडरस्टूड? ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस टास्क. मजा आएगी तुम लोगों को. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन यार. इसके और बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, डैशबोर्ड पे सब डालेंगे और मजा आते रहेगा भाई. ठीक है, एंजॉय द क्लास. ऑल राइट, दिस सो अमेजिंग यार. बूट कैंप एंजॉय करिए, अगले दो दिन और है, एंड वील हैव फन एंड वील कीप किलिंग. और मैं थोड़े नाल रहूँगा एंड तक. हाँ, यूट्यूब लाइव करेंगे, यूट्यूब लाइव करेंगे. एक घंटे के बाद है ना, यूट्यूब लाइव करेंगे. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन. हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन. कीप किलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड. ओके, वर्बल गॉड. अरे मैं कोई गॉड वर्ड नहीं, पर दिल से पढ़ाता हूँ. 3 महीने पढ़े हैं ऐसे बूट कैंप, 3 और बाकी हैं अभी. दूसरे का 2 दिन हुए हैं, अभी 3 दिन हुए हैं. तो बस पढ़ने वाले बनो. ठीक है, लव यू ऑल. थैंक यू सो मच, कीप किलिंग. बाय बाय. गोल्डन ग्लो, हाँ गोल्डन ग्लो तो है. थैंक यू सो मच, कीप किलिंग बॉयज एंड गर्ल्स, कीप वर्किंग आउट. लव यू ऑल. थैंक यू.